तो फ्रेंड्स, हम हैं अभी पटनी टॉप में और हम पहुंचे हैं, देखिए यहाँ पर स्काई व्यू पटनी टॉप गोंडोला। यहाँ से गोंडोला राइड होती है और काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी हैं यहाँ पे, तो हम अभी उसी के लिए जा रहे हैं। बुकिंग है मेरी पहली। देख किस साइड से जाना है। यहाँ पर भी थोड़ी सी चढ़ाई है, उतनी नहीं है बट फिर भी थोड़ा चढ़ना पड़ता है। तो हम पहुँच गए हैं स्काई व्यू पटनी टॉप बाय एम्पीरियन, इंडियाज हाईएस्ट केबल कार है। ग्रेसेस हो गई है, ये काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। देखिए बुकिंग अभी है हमारी। तो ये है इनका रिसेप्शन काउंटर। सो फ्रेंड्स, ये टिकट है यहाँ पर आना जाना जो है गो एंड थ्रो। रिटर्न टिकट जो यहाँ की 900 रुपये की पड़ती है, डिस्काउंट है कुछ इनका 1000 रुपये की वैसे है, पर अभी 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। बिफोर गोइंग इन साइड दिस, आई वांट टू टेल यू दैट दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। हम किसे प्रमोशन नहीं कर रहे, हम जो अपना जेन्युइन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसी के लिए जा रहे हैं, बस वही आपको दिखा रहे हैं। ये गोंडोला आ गए, अभी यहाँ से ऐसे जाएंगे। तो ये इंडिया का हाईएस्ट रोप वे कह लीजिए, केबल कार कह लीजिए। इसमें क्या हो गया? इसमें सर गर्मी का ये बंद हो जाएगा। स्पीड देखो एक बारी, हो जाओ स्पीड। हेलो, ये संभाल के, हाँ संभाल के रखनी है, वापसी इसी से आना है ना। कोई नहीं, ग्रेस तो सो गई है। जहां कोई एडवेंचर एक्टिविटी होती है ना, ग्रेस हमेशा सो जाती है वहां पर। एडवेंचर में अपनी मम्मी पे गई है, बिल्कुल। स्लीपिंग इज द बेस्ट एडवेंचर। तो ऐसी बॉक्सिंग में चलना पड़ेगा है? चलती-चलती हाँ, जैसे उसमें नहीं लंदन आई में चलती चलती चढ़ जाओ। ठीक है भैया, सेंटर में ही बैठना है बस। ये हमारा फर्स्ट टाइम नहीं है वैसे। थैंक यू। तो हम बैठ चुके हैं, अब इसकी स्पीड देखिएगा एक बार। अब गाड़ी तो सीधा ही नीचे जाएगी। सिटिंग में सेंटर, सेंटर में तो मैं। हाँ। ओह। जो जाखू वाला था ना, वो इतना ऊंचा नहीं था। हाँ मतलब था, जाखू रोड पे। हाँ। इतना नहीं था। यहाँ तो आप देख सकते हैं पूरा। हवा भी देखिए कैसे बढ़िया हवा आ रही है। ये गंडोला, इसका सही नाम रखा हुआ है, ये उसी तरीके से ही मूव कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि हम वहां पर थे, वहां से आए। देखिए ये जा रहा है उस साइड से। एक्चुअली थोड़ा सा ये हिल भी इतना नहीं हिल रहा, बैलेंस्ड है बट हल्का सा, बिकॉज आप पहाड़ पर हैं और यहाँ पर हवा काफी तेज है, घाटी में हवा चलती बड़ी तेज चलती है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये हल्का सा झूल रहा है, इतना नहीं झूल रहा। देखिए ये हिल रहा ना, हम नहीं हिला रहे, ये वीडियो हिल रही है, ये बिकॉज ये गोंडोला हिल रहा है ना, इसीलिए है। कितनी हवा आ रही है।
हाइट पे हम अभी। यहाँ से तो सड़क वड़क सब दिख रहा है। सो फ्रेंड्स देखिए अब हम नीचे की ओर आ गए हैं अभी एंड हमें अराउंड 15 मिनट का टाइम लगा है और आप देख सकते हैं कि हम जो बस पहुंचने वाले हैं यहाँ पर जो एंड पॉइंट है नीचे का, यहाँ का एंड बोल लीजिए स्टार्टिंग बोल लीजिए दोनों का एक ही है। यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ से भी कर सकते हैं। ट्रेन की ये शेड है यहाँ पहुँच गए हम अभी। जैसे जैसे नीचे आती है ये थोड़ा फास्ट सा होता जाता है, पूरा शेक कर रहा है, पूरी फ्लाइट की फीलिंग आती है। ओह पहुंच गए हैं, ये खुल गई है, बिल्कुल स्लो हो जाएगी है। थैंक यू। ऐसे पूरी ये एडजस्ट होती चलती है तो बिल्कुल की गैप नहीं होता इसमें। देखिए ये हाँ थैंक यू। तो हमको अभी यहाँ से जाना है देखिए ये हैं यहाँ की एडवेंचर एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं, मैजिक कारपेट जिप लाइन एंड ट्यूबिंग स्लेज। हमारी ग्रेस के लिए किड्स एरिया भी है। हाँ किड्स एरिया भी है। चलिए ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, हम काफ़ी लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। ट्यूबिंग स्लेज धूप काफ़ी तेज़ हो गई है, तेज़ तो पहले ही थी, अब शाम होने वाली है अभी तो, बट काफ़ी तेज़ धूप है। एडवेंचर डेस्क सर आपका गंडोला का एक्सपीरियंस है? वाज गुड। सेकंड पिक्चर है ये ट्यूबिंग स्लेज है, सेम लाइक अ वाटर स्लेज, ये ऑरेंज वन इसका पाथ है, ट्यूब में बैठते हैं स्लाइड करके डाउन। थर्ड पिक्चर है ये मैजिक कारपेट है, दैट सिल्वर लाइन जस्ट फैसिलिटी है, सेम लाइक अ एक्सीलेटर इन एयरपोर्ट, आप स्टैंड होते हो, ये आपको ड्रॉप करती है माउंटेन के टॉप पे जस्ट नियर बाई एडवेंचर एक्टिविटीज, देन आप बैक आते हैं बाई ट्यूबिंग स्लेज, अदरवाइज बाई वाटर। अच्छा तो ये जो हमने जगह जिप लाइन करनी है तो वहाँ से जाना उधर जाना पड़ेगा पहले, फिर वापस आना पड़ेगा। इसमें कितना टाइम लग जाएगा इसमें? मिनिमम वन आवर। दोनों हम दोनों का बिकॉज हम अलग अलग करेंगे, साथ नहीं करेंगे। थोड़ा और टाइम लग जाएगा बिकॉज आपको किड्स भी मैनेज। हाँ वही तो साथ में मेरे बच्चा होता है। तो 90 से कम ही है मेरा जी, बच्चे का भी 12 किलोमीटर। मैम आपका नाम बोलिए। कीर्ति। I'll show you. And finally लग रहा है कि मैजिक कारपेट का एंड आने वाला है। ओह बहुत स्लो है भाई, एक्चुअली स्लो ही होना चाहिए क्योंकि ये काफी स्लोप पे है, गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा चल अच्छा पहले मैं कुछ डूज एंड डोंट्स बताऊंगा आपको, तो आपने उनको ध्यान से सुना है, रियल वन पे आपको अकेले ही करना है। डिवाइस के बारे में मैं बता दूं आपको, सबसे पहले इनका नाम है आप याद रखना,
इसको बोलते हैं पुली, ये आपको वाइपर स्लाइड ऑन करेगी और ये है आपकी एरो लाइन, ये आपकी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए पुली और एरो लाइन। सबसे पहले कट को एरो लाइन को पकड़ना और इसका कट जो है इस प्लेट से पास करना, ये याद रखना सिर्फ इस प्लेट से ही पास होगा ये, बाकी आप वायर इन साइड टू आउट साइड पास करना है इसको इस तरीके से इन साइड टू ये जैसे अभी मैंने डाला, इसको अंदर से बाहर नहीं डालना, बाहर से अंदर। फिर आपने कैसे सेम वे में ऊपर लेके आना है और छोड़ देना है, ये आपकी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। एक बार आप इसको यहाँ से पास करते हो आप ये पूरे कोर्स में नहीं निकलेगा जब तक कि आप एग्जिट नहीं करोगे, ठीक है। अभी ये वायर से नहीं निकल सकता, इसको सिर्फ आपने साथ साथ पास करते रहना है। उसके बाद आपको लैडर क्लाइम करना है, 3.5 बनाने हैं आपने, जैसे 1 2 3 स्टेप अप, अगेन 1 2 3 स्टेप, इस तरीके से। उसके बाद आपने एरो लाइन को पास करना है, एक हाथ से आपने लैडर को पकड़ा, दूसरा हैंड आपका फ्री है, एरो लाइन को यहाँ से पकड़ो, इसको ऊपर लेके आओ और उसका ये जो कट है इसको प्लेट में डालना है इस तरीके से और आगे स्लाइड करना है अगले तार में, ठीक है। ऊपर लेके आना, यहाँ पर भी सेम है, हाँ। इस तरीके से पास किया, फिर आपको प्लेटफॉर्म पे मूव करना है राइट साइड से, यहाँ पर आपको अपना पास परफॉर्म करना है PASS, पी मीन्स प्लेटफॉर्म एंड पुली। सबसे पहले आपको सामने बॉटम प्लेटफॉर्म देखना है, वो क्लियर होना चाहिए, उसके ऊपर कोई खड़ा नहीं होना चाहिए, इन केस अगर वहाँ पे कोई खड़ा है तब तक आपने आगे नहीं जाना है, ठीक है। प्रेस किया और इसको वायर पे अटैच कर देना है, फिर आपने बैठ जाना है, अपना फुल बॉडी वेट जो है वो नीचे छोड़ देना, हार्नेस पे छोड़ देना, ये जो आपने पहना है। आ जाओ आ जाओ भी आ जाओ आ जाओ, आवाज भी है ना, उनको भी हां वो तो रेडी है। जैसे ही अगर प्लेटफॉर्म पे आप पूरा पहुंचते हो तो सबसे पहले उसको होल्ड कर लो सामने लूप को, आप रेंज लूप मिलेगी आपको, लेकिन इन केस कई बार हम पूरा नहीं पहुंचते, बीच में रुक जाते हैं प्लेट वायर के ऊपर यहाँ पे, लेकिन हम इसको होल्ड नहीं कर पाते, उस केस में हम वापस चले जाते हैं, वही जो आप बता रहे हैं उनके साथ यही हुआ था। अच्छा वापस चले गए, नहीं पकड़ पाए तो वापस जाते हो, एकदम सामने केबल को पकड़ लो, फिर जल्दी पकड़ना है स्पेयर गेंद से, पीछे पकड़ेंगे ये हुक आपको पोक करेगा या आपकी फिंगर पकड़ जाएगा, इसलिए सामने पकड़ा वहीं पे स्टक हो जाओगे, और जल्दी आप जितना लेट करते जाओगे इतना दूर निकल जाओगे, अपने आपको पीछे नहीं जाने देना है, पकड़ लिया स्टक हो गए, फिर इस तरीके से 180 डिग्री घूम जाना है। अब राइट हैंड को भी यहाँ से हटाना है, पीछे लेके आना है, अपर बॉडी को लीन बैक करना है और फिर आपको हैंड ओवर हैंड इस तरीके से मंकी क्लब के। तो डेमो सेशन हो चुका है, अब रियल एडवेंचर के लिए ग्रेस आप इधर आओ, आपने भी जाना है, तू भी लटक जा बेटा पापा के पास, चल ये अपने पापा की तरह है, ये अभी से ही ऐसी है, जाना है अपने, ये सब चीजें करने के लिए थोड़ा सा इनसेन माइंड होना चाहिए, सेन माइंड वाला पर्सन जमीन पे रह के पैदल चल के दौड़ के वो खुश रहता है। यहाँ पर एक किड्स जोन है, यहाँ बड़े भी जो है बच्चे बने हुए हैं, देखिए ट्रैम्पोलिन स्लाइड्स बनाई हुई हैं, कैसे हैं ग्रेशु। ये स्काई व्यू का जो होटल है वहाँ यहाँ बना रहे हैं पाइन व्यू, अभी ये ओपन नहीं हुआ, ये बड़ा कैफे रेस्टोरेंट टाइप्स बन रहा है यहाँ पे, अभी कह रहे नेक्स्ट 2-3 वीक्स में ये ओपन हो जाएगा। यहाँ ये बनाया तो काफ़ी अच्छा हुआ है, और व्यू देखिए आप यहाँ पर, तो आप यहाँ आकर फुल एंजॉय कर सकते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट ऑल राइट। यहाँ एक्चुअली अभी थोड़ा गर्मी फील हो रही है क्योंकि हम एडवेंचर एक्टिविटी भी करके आए हैं इसलिए भी, और बाहर अच्छी बात चल रही है तो भारी बैठेंगे हम, नेक्स्ट चलो। और ये हमारा ऑर्डर आ चुका है, हमने डोसा मंगवाया था, सैंडविच अभी आ रहा है, एंड लुक एट द डोसा, थैंक यू। और ये हमारी
फॉर्म्स शायद ही आपने कहीं देखा होगा, जस्ट कैसा है फूड? सोया बहुत दिनों बाद काम मतलब वेल प्रिपेयर्ड हो सकता बस 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 एक ही बहुत है। तो ये सैंडविचेस आए हैं। जैसे आए थे वैसे ही वापस जा रहे हैं। थैंक यू, टाटा बाय बाय करो। She's just like her father, not scared of anything and enjoying. छह बजे ये बजाते हैं हूटर, जो कि पहले फैक्ट्रीज में होता था ना, वैसा ही हूटर बजता है ताकि सबको पता लगे कि हाँ भी छह बज गए, जाने का टाइम हो गया और जितने भी गेस्ट आए हुए हैं सब अपने अपने घर निकल लें, अपने अपने गंडोला पकड़ लें। I think ये बीच में लटकते रहते होंगे ऐसे ही है, नहीं छोड़ते होंगे जब बंद करते होंगे इसको। और ये हम बस पहुंचने ही वाले हैं। वैसे तो हमने बहुत सनसेट देखे हैं बीच पर भी पहाड़ों में भी, बट गंडोला से हम पहली बार सनसेट देख रहे हैं। सनसेट वैसे तो हो गया है अभी, बट इट वाज सो मेसमराइजिंग। बादल नीचे आ गए हैं देखो, इट्स ऑल क्लाउडी। देखिए सन वही है, सेट वही होना है उसने, बट जगह का फर्क पड़ता है बस कि भाई हाँ आप किस जगह से देख रहे हैं उसको। तो हम अभी बीच में लटके हुए हैं, ना धरती पर है ना आसमान में। And
दिस इज इंडियाज हाईएस्ट केबल कार, यू कैन सी।